नमो रंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो वज्जायनं नमो लोहिष्यविषाणुं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जयनं जय नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत करलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणाय ते सर्वज्ञ शासन जयवन्ते वर्ते निर्ग्रान्ते शासन जयवन्ते वर्ते एवावि अविचिन रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते ससन्नायक देवादेव श्री महावीर भगवान श्री चंद प्रभु भगवान की तो आश्रम मई जिनवाणी माता वीतराग निर्गंत माँ मुनिराजों की एक ऐसी कथा आज प्रारंभ अपन करने जा रहे हैं जिसने जिन भक्ति और स्वाध्याय के बल पर भयंकर परिचयों को सहन किया था। आचार्य भगवान कहते हैं तू अपने को ज्ञायक देखेगा, ज्ञायक को दिखाने वाले इन भगवंतों को देखेगा तो कैसी ही परिस्थिति आए भय तेरे लिए दुखी करने में समर्थ नहीं है। पुराना वाक्यात करें तो परिस्थितियां दुख का कारण नहीं है, परिस्थिति दुख का कारण है, अर्थात पर में स्थिति दुख का कारण है। जब तक आप पर को देखते रहोगे तब तक आप दुखी रहोगे, और जब आप वस्तु स्वरूप को विचार करोगे तो सुखी हो जाओ। दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य के प्रति मोह भाव है, पर है पर अपना नहीं होता, आत्मा अपना है भाई, अपना होता है भाई, अपने लिए सुखी सुख का कारण है। पर को अपना बना करके सुखी होना चाहे तो कभी नहीं हो सकता, और अपने में अपना तो करके सुखी होना चाहे तो अभी हो सकता है। सती अनंग धरा की कथा पुराणों में प्रसिद्ध कथा है, पद्म पुराण की कथा है, जिन्होंने 3000 वर्ष तक जंगल में भीषण उपसर्ग और परीक्षाओं के बीच में साधना करी है, विशल्या हुई है, अजगर के द्वारा जिनका भक्षण हुआ इत्यादि कथा पुराण में प्रसिद्ध है। उन्हीं महासती की मांगलिक कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अवेदन की म
मंगल महिमा तुम्हें बताते हैं। सती अनंग धरा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुना जी मंगल जैन अहर दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। दान चार प्रकार के होते हैं और सिद्धे बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, जीवन की सार्थकता तत्व ज्ञान में है और धन की सार्थकता पात्र दान में है। नहीं लाए जीवन की सार्थकता, बोलो, तत्व ज्ञान में है। तत्व ज्ञान मतलब वस्तु स्वरूप का ज्ञान, आत्मा की प्राप्ति में जीवन की सार्थकता है। और धन की सार्थकता पात्र दान में है। धन बोराऊ भला कहिए लीन परोपकार। और धन बोराऊ बुरा कहिए, वो जो भोगों में लगा धन है, तो हार दान, औषधि दान, अवैध दान, जीवों की रक्षा। तो उस अवैध दान में प्रसिद्ध सती अनंग धरा की कथा प्रारंभ करते हैं। विदे चेत्र पुंडरी की पुर, विदे चेत्र पुंडरी की नामा देश राजरा, त्रिभुनानंद नामक चक्री राज कर रा। छंड में रह कर भी नहीं आत्म को बिसरते हैं। मंगल विदेश क्षेत्र में पुंडरीक नामक देश या नगर, वहां पर त्रिभुवनानंद, क्या नाम था चक्रवर्ती का, तीनों लोकों को आनंदित करने वाला। तो वास्तव में त्रिभुवनानंद चक्रवर्ती महाराजा भी थे, ऐसा तो कथा में आता है, परंतु उस पुंडरीक देश के राजा चक्रवर्ती महाराजा त्रिभुवनानंद थे, पर तीन लोक का महाराजा तो ये जीव राजा है जो वास्तव में त्रिभुवनानंद है, अर्थात तीनों लोकों को आनंदित करने वाला है। वे छह खंड अधिपति चक्रवर्ती थे और ज्ञानी कहते हैं के छह खंड में भले रहते थे तो भी अपने आत्मा को बिसरते नहीं थे। कर्मोदय जन्य सामग्री ये नहीं परमाणु मात्र अपना, एक शुद्ध दर्श ज्ञान में ज्ञायक ही अपना। इस उस ज्ञायक बाविक सदाई वो संचेतन करते थे, अनंग सती अनंग। अरे इतना बड़ा राज्य था, लेकिन उस राज्य को वे कर्मोदय जन्य जानते थे। ए मैं छखंड का अधिपति चक्रवर्ती हूं ऐसा संचेतन संवेदन नहीं करते थे,
अपितु ये संचेतन करते थे, मैं एक सत एक शुद्ध सदा अरूपी। ज्ञानी द्रग्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तन के परिमाणु मात्र नहीं। अरे ये अंदर में वेदन करते थे, मैं तो एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगमय भगवान चैतन्य नाथ हूं। ऐसा वो चक्रवर्ती महाराजा अंदर में संवेदन और संचेतन किया करते थे। उसके आश्रय में चक्री स्वान भूति रस को पी, ज्ञायक के आश्रय में चक्रवर्ती आनंद रस को पी, ताके अतिशय सो आनंदकारी मंगल जीवन जिए। छह खंड नहीं आखंड साधते ज्ञानी कहते हैं, सती अनंग दरा के मंगल सुनो जी। वे तो जो त्रिभुवन आनंद नाम चक्रवर्ती थे, त्रिभुवनानंद, वे छह खंड में रहकर भी अखंड को साधते थे। लोग कहते थे धन्य आपकी नवनिधि और चौदह रतन, और वे कहते थे कि नवनिधि और चौदह रतन मेरे नहीं है और इनसे कोई महात्म नहीं है, मुझे तो अनंत रत्न खजाना भगवान आत्मा दिखता है। चक्रवर्ती की नवनिधिया। अमित भाई आप लोग पाठ पढ़ते हो ना, आत्म वैभव गाथा। चक्रवर्ती की नवनिधिया पर निज निधियों का पार नहीं, चौदह रत्न चक्रवर्ती के आत्म गुण भंडार सही। चक्रवर्ती का वैभव न स्वर आत्म विभूति अविनाशी, जो पावे सो होए अयाची कट जाए आशा फांसी। जोटी देन निराशा सज कर पाओ वैभव मंगल में, आत्म ने अपनी वैभव गाता सुनो परम आनंद। ज्ञानी कहते हैं चक्रवर्ती की तो नौ निधि है पर आत्मा की निधियों का तो पार नहीं है। चक्रवर्ती के तो चौदह रत्न है पर आत्म गुण भंडार सही। तो सचखंड अधिपति त्रिभुवनानंद नाम के चक्रवर्ती, जो कि अनंग धरा के पिता श्री हैं, अब क्या आगे का कथन लेते हैं। 22,000 पुत्र, कितने बेटा थे उनके? 22,000। 22 सही मुश्किल हो जाएगी हैं। 22,000 पुत्र पुत्री एक अनंग सरा, दो नाम मिलते हैं इनके, अनंग सरा भी मिलता है और अनंग धरा भी मिलता है। देते संस्कार तत्व ज्ञान के मंगलमयी अविकारा, सबको लाडली गुणों से भरी अनंग धरा को दिखाते हैं।
अनंग दरा के मंगली। छह खंड अधिपति की पुत्री, 22,000 जिसके भैया थे, कितने भैया, जब उदय आएगा तब ये कहीं नहीं होगा, आज ही देखना अभी जंगल में आध घंटा बाद लगभग है। कर्म के उदय में कोई सहाय नहीं होता भाई, एक धर्म ही सहायक होगा। 22,000 पुत्रों भाइयों की लाडली बहन, चैकंड के अधिपति की प्यारी पुत्री, इतने 22,000 पुत्रों के बीच में जब एक कन्या का जन्म हुआ है, पुत्री एक ही है, तो बड़े लाड़ और प्यार से पली हुई थी, लेकिन बालकों को लाड़ ही मत देना, बुराइयों से लड़ने की, कुरीतियों से लड़ने की ताकत भी देना। बड़े पंडित जी साहब का वाक्य याद करें, तो सुविधाई नहीं देना, संस्कार भी देना, क्योंकि सुविधा संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। ये बच्चे हमारी पूंजी है, इसलिए इनको बड़े संभाल कर रखना। तो वो पुत्री को अद्भुत प्रकार के संस्कार देते थे, देते चक्री नित मंगल मई संस्कार मान, कहते पुत्री हर दशा में साथी तत्व ज्ञान को सजान। सब तो छूट जाएंगे परंतु तत्व ज्ञान कभी छूटने वाला नहीं। जो तुमने वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो ही तुम्हें सदा सुखी रखेगा। वस्तु स्वरूप का ज्ञानी वस्तुता सुख का कारण है। जब तुम वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तभी सुखी हो जाओ। वस्तु स्वरूप के विचार करने वाले धर्मात्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, और वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करने वाले बहिरात्मा को कोई सुखी नहीं कर सकता। और ये तो बड़ी कठिन सी बातें लगती हैं, आप रोजा नहीं पाठ पढ़ते हो, उसकी अंतिम लेन आती है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट कैसे ही उदय आता जाए, वस्तु स्वरूप को विचारते जाओ और आनंदित रहते जाओ। समझ में आया कि नहीं, क्या हुआ? उदय ए तो उदय जन्य सामग्री अनित्य दिखाते हैं, सती अनंग धरा की मंगल। बेटा इतना बड़ा छखंड है, लेकिन मेरी बिटिया ये छखंड में कभी विश्वास नहीं करना, और बड़ी छोटी थी तब तो चक्रवर्ती अपनी बेटी के लिए या उनकी माता अपनी बेटी के लिए क्या संस्कार देती थी। लोरी तो लंबी है, कुछ छंद लेंगे उसके। मेरी खुदी की बेटिया तू अपने आत्म स्वरूप को दिया। क्या कह रहे हो चक्रवर्ती? मेरी गोद की बेटी तू अपने आत्म स्वरूप को ध्याना। चिदानंद ध्रुव ज्ञायक तेरा उसका ध्यान लगा, तू अपने आत्म स्वरूप को दिया। मेरी गोदी की बेटिया तू अपने आत्म स्वरूप को दिया। अद्भुत ज्ञान का निरजर ज्ञायक, क्या ज्ञान का चरना जरता है। बाबा ताप विनाशक ज्ञायक
ज्ञान कागे ये बनाना इसको, किसको? ज्ञान का गे मतलब ज्ञान में उसको जानना, किसको बोलो? अपने आत्मा को। ज्ञान का गे ये बनाना इसको, सर्व दुख नसा तू अपने आत्म स्वरूप को दिया। मेरी गोदी की बिटिया तू अपने आत्म स्वरूप को दिया। द्रव्य भावे न करम सिन्यारा, बस देखने अरु जानन आरा। अंतर मुख ओ निज अंतर में उसका ध्यान लगा, तू अपने आत्म स्वरूप मेरी जितिया तू अपने आत्म स्वरूप। भावी से दे समझ खिलाता, कर गोदी में है अनंग धारा। और पिता चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं कि हम तो बेटी तुझे भावी सिद्ध समझ करके खिला रहे हैं, तेरा सिद्धत्व तुझे दिखाता। अंतर मुखता की गोदी में सदा के लिए बैठ जा, तू अपने आत्म स्वरूप को ध्या। मेरी गोदी की बेटिया तू अपने आत्म स्वरूप। जैसे सिद्ध सिद्धाल राज, वैसा ही सिद्ध इस देह महराज। उसकी विराद ना हो पावे, क्षण क्षण उसको ध्या, तू अपने आत्म स्वरूप को ध्या। मेरी गोदी की बेटिया तू अपने शील को निज संगार समझना, नव बाड़ो से सदा तू सजना। प्राण जाए तो भी बिटिया, शील नहीं जाने देना। राग मात्र अरे कुशील लके, ब्रह्म स्वरूप को दिया, तू अपने आत्म स्वरूप। मेरी गोदी की बेटिया लंबी लोरी है। इस प्रकार से मंगलमय संस्कार पिता और माता ने अनंगी धरा को दिया है। और आगे क्या होता है, क्या कह रहे हैं और पिताजी? उदय बदलते छूटने में देर लागे नाई, इसने अनित संयोगों का विश्वास करो नाई। विश्वास योग्य तो देव सच गुरु दिखाते हैं, अनंग धरा की मंगल। बेटा जगत में कोई विश्वास लायक नहीं है, तू ये मत समझना कि मेरे भाई सज्जार भैया है और मेरे पिता चक्रवर्ती है, क्योंकि आज मेलन माई राजो कल जंगल भी हो सकता। इतने जन सेवा करते कल कोई नहीं हो सकता, पर धर्मी साचा साथी तेरा साथ कभी तजीना।
कैसी भी आए विपत्ति बेटा निज धैर्य न खोना। बेटा जगत में यदि वार विश्वास के लायक है तो पीतरागी देव सतगुरु हैं, जिनका विश्वास करने पर आत्मा का विश्वास होता है, सहानुभूतिमय मंगल परिणति का हो जाती है, आनंद का झरना झरता है। ऐसे उत्कृष्ट हितकारी निमित्त पीतरागी देव सतगुरु का विश्वास रखना। यौवन अवस्था में किया प्रवेश करती शीलमयी श्रृंगार, योग एक दिवस सखियों सहित वो गयो ध्यान मजार। युवा व्यय में प्रवेश कर गई, मंगल बचपन के संस्कार। ज्ञानी कहते हैं बचपन ज्ञान अभ्यास के लिए, युवा अवस्था संयम के लिए और बुढ़ापा समाधि के लिए। बचपन काय के लिए बोलो आगम, ए आगम, बचपन काय के लिए ज्ञान अभ्यास के लिए और बुढ़ापा समाधि के लिए, और यौवन अवस्था संयम के लिए। तुम तक लंको याद कर ले तो अच्छा है। बोलो बचपन हाँ, यौवन और बुढ़ापा। चलो क्या बचपन में अद्भुत ज्ञान संस्कार, ज्ञान में जीवन और सती अनंग धारा। युवा व्यय में प्रवेश कर गई और युवा व्यय में प्रवेश किया है और फिर क्या होता है, अद्भुत उनका शील का श्रृंगार। और जो शील का श्रृंगार किया करते हैं उनके श्रृंगार को देखने के लिए देवता भी आया करते हैं। वे देवों के द्वारा प्रशंसनीय हुआ करते हैं जो शील से सजते हैं। तीन लोक में शील के जैसा कोई आभूषण नहीं है, इसलिए कहीं कुशील से अपने शील का श्रृंगार विकृत मत कर लेना। और जब शील का श्रृंगार था तो शारीरिक सौंदर्य भी उनका अद्भुत ही था। जिनका मन का सौंदर्य अच्छा होता है उनका तन भी सुंदर लगता है, और जाको मन खराब हो है वहां तन का अच्छा सुंदर भी हो और गुस्सा करता हो, कसाईवान हो, छल करता हो, दो नंबर के काम करता हो, वाह क्या रूप है कोई कहेगा उस है, उल्टे सीधे काम करता हो। अरे मन का सौंदर्य तत्व ज्ञान है और तन का सौंदर्य गुरुजनों की सेवा भगवंतों की भक्ति आदि है। वचन का सौंदर्य योग्य वचन बोलना है, आंख का सौंदर्य जिन रूप निहारना है, कान का सौंदर्य जिन वाणी सुनना है, हाथों का सौंदर्य सेवा भैया वृत्ति करना है, भगवंतों के चरणारविंदों का स्पर्शन करना है। आंख सुंदर होती है जो जिन रूप जब जिन रूप देखते हैं, कान सुंदर होते हैं जब जिन वाणी सुनते हैं, हाथ सुंदर हो जाते हैं जब धर्मात्माओं की सेवा भई अवृत्ति दान आदि कार्यों में लगते हैं। तो शरीर भी सहज ही सुंदर था अद्भुत, और एक बार सखियों के आग्रह से उद्यान में यानी बगीचे में सखियों के साथ में झूला झूल रही है, और क्या होता है, एक दिवस सखियों सहित गयो ध्यान मजार, पुनर्वसु विद्याधर द्वारा हरि हरे दुख कार, घर के बाहर होंगे तो हरण निश्चय से पाते हैं,
सती अनंग धरा के मंगल। सुनो जी मंगल जैन पूरा, सखियों के साथ उद्यान में थी, तत्व चर्चा कर रही थी और उद्यान थोड़ा सा दूर था। और उसी समय एक पुनर पशु, क्या नाम था भैया, पीछे वाले सो तो नहीं गए, चंद्र भगवान की पुनर्वसु नाम का विद्याधर। और पुनर्वसु विद्याधर वहीं से निकला और अनंग धरा को देखा और देखते ही रह गया। अरे रे भाई, तू अगर जिन रूप को नहीं देखेगा और चिद्रूप को नहीं देखा है तूने, चिद्रूप देखा नहीं है और जिन रूप भी देखा नहीं है, तो जगत के रूप मोहित करे बिना रहेंगे नहीं। और सोचने लगा कैसे क्या रूप इसको प्राप्त। सोचा चक्रवर्ती की लाडली बेटी है, 22,000 भाइयों के बीच की लाडली बेटी, चक्रवर्ती मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा, ये एकांत में इसका हरण कर लूं। अकेले होंगे, घर के बाहर होंगे तो हरण हो जाता है, तुम अकेले होगे यानी देव सदगुरु से दूर होगे और चैतन्य से बाहर होगे तो कर्म तुम्हें हर के ले जाएंगे। अमित भैया हैं, क्यों बोलो, वे अकेली थी और घर के बाहर थी। अगर घर के बाहर भी होती और माता पिता का भी संयोग होता, पिता का, तो हरने वाला कोई नहीं है। ये चैतन्य रूपी घर से बाहर है और देव सदगुरु का समागम नहीं है, तो कौन हरेंगे, कर्म हरेंगे। भैया ये बाहर के लुटेरे तुम्हें लूट लेंगे यदि तुम्हारे हृदय में तत्व ज्ञान नहीं होगा, हरे जाओगे। तो भाई हरण करके ले गया है। करी पुकारे, सखियां भी चिल्लाई और नंग धरा भी चीखी है, मुझे छोड़ो हे पिताजी, ये भ्राताओं मेरी रक्षा करो, मेरी सील की रक्षा करो, ये दुष्ट मुझे हरण करके कौन ले जा रहा है। तो जो पिता ने आवाज सुनी, करी पुकारे सुन चक्री पुत्रों सहित ओ भाई, विमान में बैठकर पुत्रों सहित सेनापति अधिक सहित पीछा किया, किया पीछा उसका शस्त्रों की वर्षा करते भाई, देखे पुनर्वसु को वैसे कांपते पाते हैं, सती अनंग धरा के मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, भैया 22,000 पुत्रों ने, चक्रवर्ती ने इधर से बाण, इधर से बाण, तो चारों तरफ से बाण, एकाध तरफ क्यों तो वो रोक पाए, इधर नंग धरा को देख रहा है तो बाणों की बरसात से वो कांप गया। कौन? पुनर्वसु, जो हरण करके ले गया था हैं? और नंग धरा अंदर में भगवान से भक्ति कर रही है, मेरे प्राण जाए तो जाए प्रभो, मेरा सील न जाने पाए भी वो, मेरे जिनवरे मेरे ओ पुकारी नाथ, मेरा सील न जाने पाए भी वो, ऐसी रतन मा रतन उसके बिना दरिद्र भगवन, मेरा रतन कोई चुरा ना पाए, मेरी प्रार्थना ये ही तुमसे भी वो, मेरे प्राण जाए तो जाए प्रभो, मेरा सील न जाने पाए भी वो। चारों तरफ की बाणों की वर्षा चलने लगी है, पुनर्वसु कांप गया, क्या मैं मारा गया अथवा तो हैं आकर के मुझसे कन्या को छीन ली जाएगी, इसलिए वह कांपने लगा है। और कैसे कांपा है,
सिद्धांत बताते हैं। जो वेद ज्ञान की वर्षा में कर्म शत्रु का छोड़ सो दातम को भागे नेकी वह सोचे। मैं गया था ए राग भिन्न कर्म भिन्न शरीराधि भिन्न ये सब न्यारे हैं, मैं तो चिदगन चैतन्य परमात्मा हूँ, उपयोग उपयोग में अब छिन्न धारा भाई ज्ञान से चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को जब बाते हैं तो कौन कांपने लगते हैं। हाँ बहुत अच्छे सुन रहे बच्चे हमारे, कौन कांपने लगते हैं बेटे, कर्म कांपने लगते हैं। जैसे आत्म स्वरूप की भावना में भेद ज्ञान की भावना में कर्म कांपते हैं भेद ज्ञान के अस्त्र के सामने, उसी प्रकार से कहानी वैसे बताना। हाँ किससे, हाँ तुमने अपनी गेंद फेंकी तो है गेंद से तो कैसे बाणों से, ऐसे मैं गायक मैं चैतन्य प्रभु मैं ब्रह्म स्वरूप मैं आनंद स्वरूप। अरे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी वह बताता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ ज्ञाता ही रहूंगा। आगे बोल लो आखिरी लाइन, नर्भव मिलाए मैं अपूर्व चक्रवर्ती के जब बाण चले हैं पुत्रों के बाण चले, पुनर्वसु कांपने लगा और भागने की सोचने लगा। त्यों ही विद्याधर और मैं भागने की सोचते हैं और क्या सोचने लगा, मेरे नई कन्या के ही कारण पीछाए कर रहे। ये बाण क्यों आ रहे हैं, मेरे पीछो नहीं कर रहे, किसका पीछा कर रहे हैं, हाँ इसके कारण ही मेरा पीछा कर रहे हैं। और क्या सोचे, देख अगर छोड़ दूं इसको तो छुटकारा इनसे मिले। क्या सोचने लगा कि मेरा पीछा थोड़ी कर रहा है, किसको पीछा कर रहा है, अगर इसको छोड़ दूं ना तो इनसे मेरा छुटकारा मिल जाएगा। उसी प्रकार विषयों को छोड़ते जो दुख से पीछा छुड़ाते हैं, अनंग धरा की मंगल। जैसे पर इस पर सर रसना ग्रहण चक्षु कर्ण ये पंच इंद्री के विषय है, मई भाषा में कहे वैसा बड़ा मोबाइल बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला हाई फाई पढ़ाई आई पाई कमाई पर आई पाई बीमारी तो है, आई पाई कमाई होगी तो फिर बीमारी भी आई पाई होगी, पर आई पाई फीस उसमें लगेगी डॉक्टरों के पास वह, तो जब आई पाई सब होंगे तो बीमारी भी आजकल आई पाई होने लगी है, एकदम दम से होती है और पता ही नहीं चलता, बैठे बैठे चला जाता बेचारा। जब 12-12, 14-14 घंटा की मेहनत करोगे तो होगा क्या शरीर को, पहले कमाते रहे हैं, जब पहले कमाया और फिर कमाया तो फिर अस्पतालों में लगाया हैं, पैसे के लिए स्वास्थ्य बिगाड़ा और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उसमें पैसा लगाया, ना पैसा रहा ना स्वास्थ्य रहा, कछु ना रहा, दोनों के दोनों हैं। हम तो ये लौकिक बात बता रहे हैं, ना वह धर्म ना देव सात गुरु ना आत्मा ना कुछ, तो सोचने लगा कि अगर मैं कन्या को छोड़ दूंगा तो ये मेरा पीछा छोड़ देंगे, ऐसी तुम विषय छोड़ दो दुख पीछा छोड़ देगा तुम्हारा, तुम राग छोड़ दो कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, कर्म तब तक पीछा करेगा जब तक तुम मिथ्यास को रखोगे और मिथ्यास छोड़ा करम बोला चलो भैया अपने काम के नहीं रहा है, तो क्या किया, अकल लगाई उसने, तो सही लगाई कि गलत लगाई जल्दी बता, हाँ सही लगाई तो फेल हो गए, हाँ सही लगाई, क्यों उसको पीछे काम कर रहे हो, किसका पीछा कर रहे थे, अनंग धरा का ले गया था इसलिए तो पीछा कर रहे थे, और क्या किया
उसने तत्काल ही एक पढ़ने लब्धि विद्या होती है विद्याधरों के पास में, कि किसी इंसान को छोड़ना है तो ऐसी बात पटकेंगी तब तो हो गए उसका, तो वो पढ़ने लब्धि विद्या होती है तो उससे छोड़ा। तो ऐसे 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 नीचे आराम आराम से करता करती वो विद्या ने उनको उतार दिया जमीन पर और विद्याधर भाग गया। और चक्रवर्ती ने देखा कि इसके पास तो बेटी है नहीं है, इसने लगता है कहीं उतार दी, तो उतरते हैं जंगल में देखी तो जल्दी से उसको तो पीछा छोड़ा और किनको पकड़ा, अनंग धारा को देखने के लिए उतर आए वो। सवा पद नामक भयानक अठवी माई छोड़ा था, उसका पीछा चोर चक्र व चक्री ने जंगल में प्रवेश किया। सवापद जंगल, ऐसा जंगल जहां पर दिन में भी रात जैसा था, वृक्षों की घने घने वृक्ष, मानो कहीं भी मुश्किल से थोड़ा सा जाके देखे तो इस जगह वो जेला निकले आया है। उन्हें तो घनघोर अटवी, वृक्ष ही वृक्ष, शेर चीते दहाड़ रहे हैं, और वहां जा करके अनंग धारा खड़ी हो गई। आज मेलन माई राजो कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते कल कोई नहीं हो सकता, पर धर्मी साचा साथी तेरा साथ कभी तजेना, कैसी भी आए विपत्ति बेटा निज धैर्यना, प्रभु के वचनों को सुमर कर तुम सदा प्रसन्न। जंगल जंगल को न कोई भैया न माता, 96,000 माताएं समझ, एक रानी से उत्पन्न हुई नहीं, माता तो कितनी थी रानियां 96,000, एक ही बेटी थी और किसी रानी के कोई बेटी नहीं थी, तो कितनी लाडली होंगी चक्रवर्ती के और भाइयों की सबकी। लेकिन आज वो लाडली बहन ऐसे जंगल में जाकर के खड़ी हो गई। भैया कर्म जाकर कहाँ कड़ा कर देगा तुम्हें कोई पता नहीं है, लेकिन कर्म की जगह छोड़ दो अपनी जगह बना लो। जब जय सो जाको उदय, समस्या नाटक में आता है, जब जय सो जाको उदय तब सोए थिए तान, शक्ति मरो रे जीव की उदय बड़ो बलवान। जैसा जिसका उदय होता है जीव वही होता है, इसलिए निमित्त का कथन है शक्ति मरोरे जीव की, तुम जाना चाहो तो नहीं जा सकते, अगर 33 सागर की नरक की आयु बांध ली है मर जाऊं नहीं मर सकता है, पर मैं नार की नहीं हूं। कल जैसे लक्ष्मण जी ने, रावण ने, दशानन ने प्रयोग किया था सीता जी के कहे अनुसार, कल का ही प्रसंग था, हाँ मैं नार की नहीं हूं, बस नरक कथी निकल गई अब। तो उस भयावनक जंगल में गए और चक्रवर्ती 22,000 पुत्रों ने खोजना शुरू कर दिया, पूरा जंगल खोज रहे हैं, अनंग धारा अनंग धारा अनंग धारा पुकार कर रहे हैं, और अनंग धारा कह रही पिताजी भैया अभी तो मोह में है तो बुला भी रही है, लेकिन ना तो इनकी आवाज उन तक आ रही है ना उनकी आवाज इन तक आ रही है, क्योंकि बीच में कोई खड़ा है आवाज रोकने वाला, कौन थे, पेड़ वृक्ष। अरे वृक्ष तो ठीक है, कर्म समझ गए ना, वृक्ष तो है ही, पर्वत तो है तो ठीक है, लेकिन जो बीच में आवाज रोके कौन खड़ा है, वो कर्म पाप का उदय जो पूर्व बाधा होगा पहले, वो आवाज नहीं आने दे रहा है, वो मिलने नहीं दे रहा। आप ज्ञानी जन कहते हैं मोक्ष मार्ग का संग में पंडित जी साहब कहते हैं पाप के उदय में सहायक का निमित्त नहीं बन सकता और पुण्य के उदय में दंड के निमित्त नहीं बनते हैं, कोई चाहे मैं सहायता कर दूं तो नहीं कर पाएगा,
और बल्कि उल्टी सहायता करना चाहो और उल्टा बुरा हो जाए। जीव के कई बार के नहीं, जीवों को अपन बचाना चाहते हैं और बचाते बचाते मर जाते हैं। अपन सो बचा ले इसको और न जाने कैसा किया और उम्र और गया। तो भाई उल्टे हो जा, पाप के उदय में सहायक के निमित्त नहीं बनते, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। पुण्य के उदय में कोई दंड देना चाहे और देने भेजा है दंड के लिए और वो मिल जाए वरदान। हाँ वो भेजा है गुफा में काय के लिए, राक्षसी गुफा में धन्य कुमार को, और वहां मिल गया खजाना बढ़िया। वो कह रहा आओ महाराज पधारो, आपके लिए खजाना तैयार। धन्य कुमार चरित्र आपने सुना होगा। वो उधर गए गुफा में, ऐ प्रद्युम्न कुमार के लिए भी भेज रहे हैं भैया वहां के लिए कि ये मर जाएगा यहाँ जाएगा, और जहां जाते हैं वहां विद्या ले लेके आ रहे हैं। पुण्य के उदय में दंड के निमित्त नहीं बनते, नहीं बनते तो नहीं बनते, वस्तु स्वरूप है, आप कुछ बदल नहीं सकते। वस्तु के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है, समझ करके आनंद आनंदित रहा जा सकता है। तो इतने भाइयों ने, पिता ने, किनके पिता भाई बोलो, सब जगह खोज करी लेकिन नहीं मिली। ज्यो खोजा सर्वत्र नहीं मिली, निराशाई पाते हैं, सती अनंग दर के मंगल कथा। जो विषयों में सुख खोजने से मिलती है निराशा, क्योंकि यही नहीं है। ऐसी जहां वे खोज रहे हैं वहां अनंग धारा नहीं है, जहां अनंग धारा है वहां खोज नहीं पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे। तुम भी जहां सुख खोज रहे हो वहां सुख नहीं है, नहीं है, और जहां सुख है बेटा कहाँ है सुख? आगम, हाँ अपने अंदर, मतलब अपनी आत्मा। हाँ अजित जी समझ में आ रहा कहाँ कह रहे हो? हाँ जो विषयों में सुख खोजने से मिलती निराशा, त्यों चक्री की टूट गई अब मिलने की आशा। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कोई थे चक्रवर्ती की आंखन में आंसू आ गए। बेटी अनंग धरा, बेटी अनंग धरा, भैया खोज रहे बहना अनंग धरा, काओ काओ रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जंगल में कहीं नहीं मिली। और उनको भी भैया पिताजी ऐसी जगह पड़ी है जा कोई आ नहीं पा रहा। ओ करे निराशे पुत्रों सहित निज राज्य को आते हैं, सत्य अनंग होते हुए कार्य कोई रोक नहीं सकता, और ना होते हुए कार्य को कोई कर नहीं सकता। होते हुए कार्य को कोई, हाँ, और ना होती हुई को कोई कर नहीं सकता है। कितनी कुछ कर लो आप, जो कार्य जैसी भगवान ने जो कहा है, जब उसके प्रणमन का उस प्रकार के जाति का उदय नहीं आया, मिलने का नहीं आया, तो भी चक्रवर्ती ने सब जगह खोज करी पर नहीं मिली। एक द्रव्य दूसरे का कुछ भी करने में असमर्थ दिखाते हैं, देवादिक सेवक जिसके ऐसा चक्री भी भाई। चक्रवर्ती के एक एक रत्न की हजारों हजारों देव सेवा करते, चक्र रत्न के हजारों देव सेवा, दूसरे के हजारों देव सेवा, एक एक रत्न जो होते ना भैया, उन रत्नों पर हजार हजार देव सेवा करने वाले खड़े रहे संभालने के लिए। तो वे सब देवन को बुलाकर अवधिज्ञानी होते देव, तो ए खोजो जल्दी खोजो, तो वे देख रहे देव को ढूंढने में कितनी देर लगती बताओ, देव होते ना एक क्षण, कितने अभी अवधिज्ञान लगाया पटा जे है, मेरी आंख से थोड़ी देखना अवधिज्ञान से देख।
तो भी बे देव भी कुछ नहीं कर पाए। अब सोचो तुम के तमाई गैया हो गई, तुम गांव के नहीं हो, हमारा सोना खो गया, भला आएंगे ना बे खूब बड़े है, भी खूब बता देते अपने अपने पूछे में कहा जा रहा हूं। भैया हजारत देव घर में बैठे हैं, चा अब पैर पड़ रहा है और बेटी की खोज नहीं कर पा रहे, समझ गया ना। और तुम का सोचता हमारे भैया खो गए, भला उनसे पूछे आते हैं, कहा भैया कहा जा रहा अपने पूछे में कहा जा रहा। अरे पूछे हुए से जा रहा, एक तरफ दूसरी तरफ का कर्ता मान रहे, तो जब मिलने का योग होगा तो सब बनेगा। और वो कुछ ना कुछ तो कहेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम नारियल दे दो, नारियल हम चढ़ा देंगे, तुम्हें तो बस पैसा दे देना है। तो बोले अपन तो पैसा दे के आए, बुक्का कर रहे हैं, बात का मतलब। अरे मूरख, तुझे अंदर में ये बैठा है कि कोई कुछ कर सकता है, बीत रागी कुछ नहीं कर सकते, वे रागी कर देंगे। हैं राष्ट्रपति ने कहा कि ये भैया मेरे काम का नहीं है, ये काम मैं नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश की ऐसी कोई कानून ही नहीं है। प्रधानमंत्री का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, प्रिय बहुत चाचा जिसके, बोले बेटा ये काम नहीं हो पाएगा इस देश में, दोनों ने मना कर दी। अब वो चक्रवर्ती वो बन सोची, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, जो अपनों गली को जो चपरासी है ना वो कर देगा। जब राष्ट्रपति और चक्रवर्ती ने हाथ जोड़ लाए तो चपरासी का करेगा वाकई। तो जो एक द्रव का द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, जिन्नाथ कह रहे हैं, तो जब जिन्नाथ कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये रोड़े रखोड़े का कर देंगे, समझ गया ना। जिस कार्य को भगवान कह रहे हैं कि नहीं हो सकता ये, हम तुम्हारे उदय के बिना तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारी भक्ति भी निमित्त जब होगी, जब तुम्हारे प्रणाम भी शुद्ध होंगे, ऊपरी भक्ति से कार्य चलने वाला नहीं है। हजारों देव कुछ नहीं कर पाए, चक्रवर्ती चिल्ला नहीं, तुम का काम के जिनके रत्न इनके रक्षा कर रहा, बच्ची को तो ला नहीं पा रहे, नहीं ला सकते तो नहीं ला सकते, क्या क्या उदय अनुसारी सुख दुख देवाधिक सेवक जिसके, ऐसा चक्री विवाय निज कन्या को ना खोज सका लखो विचित्र तवाई। सुख दुख उदय अनुसारी सुख दुख जीवन मरण दिखाते हैं, नंगे दरा की मंगल सुनो जी मंगल। देख भयानक जंगल, 5-7 दिन हो गए जब, तो भी तो चले गए खोज काज के। अब अनंग धरा देख रही है, प्रभु मैं कहाँ जाऊं। देख भयानक जंगल सती अति घबराई, विशाल वृक्ष सिर चेते जान दाड़ रहे भाई। कोई साई देखे नहीं, आंखों से अश्रु जरते हैं, सती अनंग दरा के मंगल कथा। कोई सहायता नहीं करने वाला, चल रही है आंखों में आंसू जलने लगे, याद आए हैं बचन। मोती समय आंसू है, बहने नहीं इनको देना, बाके इनको बेटा, बाके इनको बेटा, जिन शासन नहीं लजाना, साहिसी तुझे है होना, कायरता कभी न लाना, कैसी भी आए विपत्ति बेटा निज दे। जाओ कोसों दूर चले पर कोई देखे नहीं रास्ता, रोजाना कोसों दो दो 5-5 किलोमीटर चली जाए, ना तो कोई गांव दिखाई दे ना कोई रास्ता दिखे, बस जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल।
तजके मोए रखा एक धर्म सिवा सुता, धर्माराधन में इस तन को अब अर्पित करते हैं। सती अनंग धरा के मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, बस सोचा रोजाना कोसो चले, रास्ता नहीं मिला, आंखों में रो आंखों अश्रु जर रहे, पिताजी भैया कोई भी आप मेरे सहायक ना हो पाए, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ माँ मिलेंगी, कहाँ भोजन मिलेगा। पहले तो ऐसा ही आता है बावन को, फिर याद आने लगा पिताजी कहते थे बेटा कभी कर्म का भरोसा मत करना, सदा धर्म का भरोसा करना। उदय के बदलते देर नहीं लगती, भाग्य के बदलते देर नहीं लगती है बेटा, सब बदल जाएंगे लेकिन शुद्धात्मा कभी बदलने वाला, शुद्धात्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्ध मान है। और भगवान की भक्ति करने लगी, मेरा तारे बिना कोई ना सारा, जीने नाथ प्रभु वर्मा, तुम्ही माते पिता तुम्ही बंधु सख, तुम्हें माते पिता तुम्ही बंधु, तुम्हें से आते हमारा, जिने नाथ प्रभु वरे मारे, मारा तारे बिना को ना सारा, जिने नाथ प्रभु वरे मारे। बस अब धर्म ही मेरा सब कुछ है, धर्म ही वो साथी है जो साथ नहीं छोड़ता, सब साथ छोड़ देंगे के लिए धर्म मेरा सदा साथ में। और ये विचार कर क्या करती है, वो आत्मन है आत्मा सदा ही अकेला, पर द्रव्य भावों का इसके संग नहीं मेला। ये आत्मन आत्मा सदा अकेला है। अरे पिताजी माताजी भैया भ्राता कर्म का उदय सब आत्मा से के साथ कोई मेल नहीं करते हैं। अकेले में अकेला आत्मा योगी बाते हैं, सती अनंग धरा की मंगल छूट गए जो संयो, उनको तुम या करते याद, जो छूट गए उनको तो याद कर रहे, वो जो साथ में है उसको छोड़ के बैठे हो। मैं अब तो मोए को छोड़ो, धर्म ही सदा ऐसा, ताते माते ब्राता सब कुछ ही धर्म दिखाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, सती अनंग धारा सोच रही है कि बहुत मन, अब तो माता है सो धर्म है, पिता है सो धर्म है, बंधु है सो धर्म है, शका है सो धर्म है, सब कुछ मेरा धर्म है। धर्म की आराधना के लिए जंगल और महल की विकल्प नहीं करना,
भोजन मिले कि ना मिले, पानी मिले कि ना मिले, भूमि सोने के लिए नहीं मिल रही, वहीं गीदड़ नाच रहे हैं, वहीं शेर जीते नाच रहे हैं, वहीं सर्प घूम रहे हैं, कंकड़ीली भूमि है, थक गई है सती और सो गई कंकड़ीली भूमि में। भूमि कैसी है लेकिन ज्ञान मात्र कंप भूमि तो सदा एक जैसी है। भोजन भार का क्या मिला है लेकिन अतिंद्रिय आनंद का भोजन तो सदा मिल रहा है, मिलेगा, वो कभी छूटने वाला नहीं है। आत्मन आत्मन संसार का कोई भरोसा नहीं है, उस समय सार का सदा भरोसा है। संसार कभी एक सा नहीं रहता और समय सार कभी बदलता, संसार में कोई साथ नहीं दे सकता और समय सार का साथ नहीं छूट सकता। मेरे समय सारी तू ही जीवन का सच्चा साथी नाथ, तेरा न छूटे सा हो मेरे भगवान, हो मेरे भगवान हमेशा रहियो मेरे साथ, तेरा न छूटे सा सब छोट छूट जाए ना जिन्हें छूटना है, सब रूट जाए ना जिन्हें रूटना है, मैं प्राणीन सा हो जाऊंगा यदि तू छूटा मेरे नाथ, तेरा न छूटे। हे समीचार, हे परमागम, हे शुद्धात्मा, अब तो आप ही शरण हो। और यो विचार करते हुए अब तो जब तक बाहर का रास्ता खोजा सुख के लिए तब तक रास्ता नहीं मिला, और अंदर में सुख का रास्ता खोजा तो सुख मिल गया, दिखने लगा। जब तक पिताजी को पुकारती रही, भ्राताओं को पुकारती रही, तब तक आंसू झरते रहे, और जब धर्म को याद किया है तो आंसू पोंछ गए। और क्या विचारने लगी, ज्ञानी तो बुद्धि पूर्वक एकांत को चाहे, ऐसे निर्जनों में रह कर आत्मा बाए, वे ही है आदर्श तुमको श्री गुरु कहते हैं, सत्य अनंत किया ऐसा विचार सर्व दुख विनस गया। हे आत्मन, मुनिराज तो बुद्धिपूर्वक जंगल में रहते और तुमको ऐसा जंगल मिल गया, दुखी मत हो। परंतु जंगल का वर्णन अद्भुत है, ऐसा जंगल था कि जिस जंगल में कोई जा ही नहीं पाता था। योगीश्वर भी जहां कोसों कोसों दूर तक नगर ही ना हो ऐसे जंगलों में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? हार की विधि कैसे बनेगी? हाँ, भोजन की विधि कैसे बनेगी? वहां तो कोसों कोई रास्ता ही नहीं दिखे, 8-15-20 दिन महीना हुए, 2-4 दिन चलती रही, जगह ही नहीं आया कोई समझ में। घनी अटवी, घनी अटवी, घनी अटवी। पद्म पुराण जी कहते हैं कि उस दिन में भी रात जैसा हो जाता था कई जगह, तो मन वृक्षों की इतनी इतनी वो थी कि दिखाई नहीं देता था कुछ, और शेर चीते भयंकर जंगली पशु। तो भी सती अनंग धरा स्वाध्याय और जिन भक्ति के बल पर आनंद में थी, अभी आत्मानुभव नहीं हुआ, क्योंकि आत्मानुभव हो जाता तो विसल्या कैसे होती, समझ में? अगले वह में विसल्या होने वाली है ना, लक्ष्मण की पत्नी। लेकिन भगवान की भक्ति और जो स्वाध्याय के संस्कार थे, वे ऊपरी संस्कार नहीं थे, स्वाध्याय के भी भीतरी संस्कार थे, समझ में आया? अभी आत्मानुभूति नहीं हो पाई थी, लेकिन सम्यक्त के सन्मुख जैसी परिणति थी,
और क्या हुआ है, है? ऐसा विचारे, क्या विचार किया कि मैं धर्म की साधना करूंगी, सर्व दोष के विनाश गया उसी अवस्था में चित्त देखो हर्षित हो गया। उसी अवस्था वही की वही है, परिस्थिति वही की वही है, और उसी अवस्था में जब सम्यक विचार किया तो प्रसन्न हो गई। परिस्थिति नहीं पर स्थिति बदलते दुख विनसते है सती अनंग दरा के मंगल सुनाते है सुनो जी मंगल किया दृढ़ संकल्प। परिस्थिति दुख का कारण नहीं पर स्थिति पर में जुड़ना ये दुख का कारण है। किया दृढ़ संकल्प करूंगी आराधन सुखदाई तजे माते अरुतात धरमी एक साथ ही सुखदाई। अम्मा दाता ब्रात सब का आशा छोड़ दी, अब तो जीवन भर आराधना करना है, मिले ना मिले अब हमें कोई प्रयोजन नहीं। असरण ही छूटे का छूटे हैं शरण जिनवर कहते हैं सती अनंग दरा के मन गल जैन पुराने और बीजीवो एक दो दिन नहीं 3000 वर्ष तक। कितने वर्ष? सीता जी को कुछ दिन बाद बजे जंग लेने आ गया, अनंग धारा को मामा मिल गए, मनोरमा को भी मामा मिल गए, सुर सुंदरी को भी योग कोई ना कोई बन गया, लेकिन भयानक जंगल में अकेली और 3000 वर्ष। कितने? 3 वर्ष नहीं, ए आगम कितने? 3000 वर्ष तक तत्व ज्ञान के बल पर, स्वाध्याय के बल पर कैसी ठंडे आ रही हैं और भयानक ठंड पड़ रही है, पूरा जमीन गीली गीली हो गई है, और उस समय भी अनंग धारा क्या कर रही है, ठंडों में, गर्मियों में, बरसातों में कैसी तपस्या करी उन्होंने, कैसे अपने परिणाम संभाले हैं, ऐसे अकेले के बल पर। कथा का अंतिम प्रकरण बोलो भाई, सुबह ले लें? अरे नहीं, सुबह